अभी चारों तरफ खबर है कि नए जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट यानी अपनी सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शन के सबूत खोजे। तो पहले समझ लीजिए कि ये वास्प 39b नामक प्लैनेट अपने स्टार से बहुत ज्यादा करीब है। इसका तापमान लगभग 900 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इस पे जीवन की संभावना बहुत कम है। लेकिन इसकी तलाश लेते हुए वेब ने इसके एटमॉस्फेयर में काफी सारे मॉलिक्यूल्स की खोज करी और इनसे हमें पहली बार एक एक्सोप्लैनेट पे केमिकल रिएक्शन समझने को मिला, जिसपे उसके स्टार से आती लाइट से एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर टूटकर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हुए सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब आगे वेब टेलीस्कोप ट्रैपिस्ट जैसे जीवन अनुकूल प्लैनेट्स की तलाशी करते हुए ऐसे ही उनके भी एटमॉस्फेयर में होते केमिकल रिएक्शंस को समझकर जीवन की खोज करेगा।